तो हे गाइस, स्वागत है आपका अपडेट वाली एक और नई वीडियो में। गाइस ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अपडेट फुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे नरूटो का सीजन 8 हो चुका है स्टार्ट गाइस, एंड आप लोग नहीं देख रहे हो तो देख लो क्योंकि लास्ट सीजन होने वाला है। एंड नवे नवे एनिमे शुरू होने वाले, गिंतामा नाम का एनिमे बैक आ चुका है। कौन सा चैनल है गाइस एंड क्या क्या टाइमिंग है, कब आएगा, एंड क्रंची रोल पे हिंदी सब में एनिमे से अवेलेबल हो चुके हैं गाइस। बहुत ज्यादा मजा आने वाला आपको इस वीडियो में। एंड पोकेमोन की मूवी आप देख सकते हो जीएस सिनेमा पे। तो यार बहुत सारी अपडेट्स है इस वीडियो में, जो वीडियो के साथ शुरू से लेके एंड तक बन रहना, नहीं तो अपडेट मिस कर दोगे गाइस। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अपने चैनल पोकेमोन आईएनडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है गाइस एंड आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के शेयर कर देना कि आपके दोस्त भी अपडेटफुल हो जाए। हम शुरू करते वीडियो को बिना कोई देरी के, लेट्स बिगिन। इस वीडियो हो चुके शुरू एंड बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में यार, जो कि है कार्टून नेटवर्क के शेड्यूल के बारे में। तो गाइस आज आप लोग बेंटन देख सकते हो, बेंटन क्लासिक एपिसोड शाम को 4 बजे से, एंड कल आपको देखने को मिलेंगे ड्रैगन बॉल जी काई के बिल्कुल नवे एपिसोड 1 बजे से देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद आप 4 बजे फिर से बेंटन देख सकते हो। तो ये थी कार्टून नेटवर्क शेड्यूल के बारे में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि पोकेमोन की कौन सी मूवी आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगी। तो गाइस पोकेमोन की मूवी, पोकेमोन मूवी द थर्ड है, मतलब कि अनकाउंट का तहलका नाम है, एंड ये मूवी तीसरी है पोकेमोन की। तो आप लोग इसको जियो सिनेमा पे अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब में, तो आप लोग इसको देख सकते हो जियो सिनेमा में, पोकेमोन की मूवी नंबर 3। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार गाइस, जो कि क्रंची रोल के बारे में। तो गाइस क्रंची रोल ने एक अनाउंसमेंट करी है कि मतलब प्रमोशन के लिए, एंड उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए टाइगर श्रॉफ को चुना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। एंड आपको पता है क्रंची रोल अब टाइगर श्रॉफ को भी मतलब अपने प्रमोशन के लिए रख रहा है, तो कितने मतलब पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है एनिमे वगैरह की। एंड आप लोग को मतलब देखो यार, सोनी एनिमे भी प्रमोशन कर रहा है, कार्टून नेटवर्क भी करते हैं, काफ़ी सारे चैनल्स करते हैं, लेकिन जो अपना क्रंची रोल है वो आपको पता है OTT प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी मतलब स्पॉन्सरशिप करी है। तो यार इसके बाद ना मतलब एनिमे की जो दुनिया है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। अब क्यों, तो देखो यार जो टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं, काफ़ी सारे अलग अलग कंपनी है, वो भी एनिमे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, एंड उन्हें पता कि एनिमे होता क्या है, एंड वो लोग देखेंगे एंड समझेंगे कि यार मतलब एनिमे कितनी ज्यादा बड़ी बवाल चीज है। एंड आपको पता टाइगर श्रॉफ ने स्पॉन्सर किया है, तो मतलब आपको पता है कि काफी सारे जो लोग हैं टाइगर श्रॉफ के फैंस, कई लोग हैं कई नहीं है, तो मतलब जो है वो अगर एनिमे को देखना चाहे तो और भी एनिमे की फैमिली बड़ी हो सकती है। एंड नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें गाइस, जो कि है नवे नवे एनिमेस के बारे में, जो कि क्रंची रोल पे आपको देखने को मिलेगा लिंक क्लिक सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। इस कल से स्ट्रीम हो रहा है, एंड आपको क्रंची रोल पे एंड बिलीबिली पे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग लिंक क्लिक का सीजन 2 देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें गाइस, तो है द डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 2, तो आप लोग इसको देख सकते हो 13 जुलाई से भी क्रंची रोल पे स्ट्रीम हो रहा है, सीजन 2 होने वाला गाइस। तो क्रंची रोल पे मुझे इंडिया पे एंड बहुत सारे नए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो आप इन सब पे इसको देख सकते हो। एंड बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि है Zoom 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के बारे में। तो एक आपको पता है ये एनिमे कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बवाल चीज कर रहा है, एंड इस एनिमे की एक बहुत बड़ी चीज़ यानी लाइव एक्शन मूवीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है गाइस, एंड आपको देखने को मिल जाएगी 3 अगस्त को। लेकिन आप लोग डायरेक्ट मूवी मत देखना, अभी थोड़ा एनिमे देख लो, उसके बाद मूवी को देखना, नहीं तो आपको पता स्पॉइलर वगैरह सब मतलब मिक्स हो जाएगा, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप इस एनिमे को देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो, तो गाइस क्रंची रोल पर देख सकते हो हिंदी सब में। अगर आप लोग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सब में, इंग्लिश डब में नहीं देखते एनिमे, तो हिंदी सब में देख सकते हो गाइस। हिंदी डब है, हिंदी सब में आपको क्रंची रोल पे अवेलेबल हो चुका है, आप लोग वहां पे देख सकते हो। एंड नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें गाइस, तो यार ये है कि क्रंची रोल कह रहा हूं एनिमेक्स के बारे में। तो एनिमेक्स पे गाइस गिंतामा नाम का एनिमे शुरू हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा पुराना एनिमे है, एंड ये बैक आ चुका है एनिमेक्स पे, एंड आपको देखने को मिल जाएगा मंडे टू संडे, मतलब पूरे वीक में देखने को मिलेगा, रात को 8 बजे इसकी रिपीट टाइमिंग की बात करें तो नेक्स्ट डे 9 बजे सुबह एंड दोपहर में 1 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये एनिमेक्स आपको देख सकते हो जियो सिनेमा पे अवेलेबल है गाइस, तो जियो सिनेमा कह रहा हूँ, जियो टीवी पे आप लोग इसको देख सकते हो एनिमेस चैनल को, एंड इसको देख के एंजॉय कर सकते हो। गिंतामा नाम का जो एनिमे है, तो गाइस बहुत कमाल का एनिमे है, आप लोग इसको जरूर एक ना एक बार ट्राई करना है। एंड बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में यार, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में, तो ब्लैक क्लोवर नाम का एनिमे जो है वो पूरा गाइस 170 एपिसोड है उसके, ये सारे एपिसोड हिंदी डब नहीं है, मतलब कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो ब्लैक क्लोवर नाम के एनिमे को। एंड बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में गाइस, जो कि नरूटो के बारे में, तो नरूटो का लास्ट सीजन चल रहा है गाइस, एंड
190 एपिसोड आ चुके हैं। सो अब बचे कितने, 30 एपिसोड बचे हुए हैं गाइस। एंड नारुतो के जो सीजन में, मतलब जो ओरिजिनल सीजन है, इसके 220 एपिसोड है टोटल। तो ये लास्ट सीजन चल रहा है गाइस, सीजन 9 भी है। तो सीजन 9 को सोनिया ने मेंशन नहीं किया, यानी सीजन 8 में कम से कम 33 या 34 एपिसोड होंगे टोटल। तो आप लोग सीजन 8 जल्दी से देखो, क्योंकि आपको पता 20-30 एपिसोड बचे हैं गाइस। एंड 30 एपिसोड कितनी जल्दी खत्म होंगे आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। एंड इसके बाद आपको पता लंबा ब्रेक लगने वाला है, हालांकि टाइमिंग की कुछ इशू है, लेकिन फिर भी गाइस नारुतो को फॉलो करो, देखो यार, क्योंकि लास्ट सीजन है। इसके बाद नारुतो में बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है, हालांकि मूवीज की स्पॉयलर्स आ रही हैं। एंड शिप्डेन में आपको पता अभी थोड़ा टाइम है, तो नारुतो का लास्ट सीजन चल रहा है गाइस, देखो एंजॉय करो। एंड आज की इस वीडियो में इतनी अपडेट थी गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि अपने पापा को पता फैमिली कितनी बड़ी हो गया ना, वो बहुत ऊपर जाना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर देना, वीडियो शेयर कर दो अभी दोस्तों के साथ, क्या आपके दोस्त भी अपडेटफुल हो जाएंगे। मिलता हूं अमेजिंग अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।